हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था वो एडजॉर्प्शन था, सेकंड पार्ट हमारा कैटालिसिस था और आज हम थर्ड पार्ट को कर रहे हैं और वो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी हमारा आज हम फोकस करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स पर, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स हैं, तो हर प्रिपरेशन मेथड को हमको ध्यान से देखना है। पहला, दो तरह के आपको हमने कोलाइडल सॉल्ट्स बताए थे, वन इज लायोफिलिक एंड अनादर इज लायोफोबिक। आप समझ सकते हैं, हमने आपसे कहा था कि जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो आपका हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि एक तो वहां पर है आपका डीपी और दूसरा है वहां पर आपका डीएम। तो जब डीपी डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज में दोनों में अट्रैक्शन होता है, क्लियर, तो डेट इज कॉल्ड लायोफिलिक। लेकिन जब आपको मालूम है कि अगर आपको हमने दिया है डी डिस्पर्स फेज और जो डिस्पर्सन मीडियम है आपका, इन दोनों के बीच में अगर रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं लायोफोबिक। तो आज हम पहले कैसे बनाएंगे लायोफिलिक सोस, कैसे बनाएंगे लायोफोबिक सोस, इस पे हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। हाँ, हमें ये मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, ये बहुत क्लियर है कि डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो फिर और यहां पर डीपी और डीएम के बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए हमको ये मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि ये आपका इजीली प्रिपेयर्ड होगा, जबकि ये आपका डिफिकल्टली प्रिपेयर होगा। इसमें सिंपल डिजोल्व करोगे डीपी को डीएम के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं स्टार्च हो गया, ग्लू हो गया, सोप हो गया, उसको जैसे ही पानी में डालेंगे वो आसानी से घुल जाते हैं, डाई हो गई कलर्स। क्लियर? लेकिन कीप इन माइंड, ऐसा यहां पर नहीं होगा, लायोफोबिक में ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा बिकॉज डीपी और डीएम के बीच में रिपल्सन है, तो फिर यहां पर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ और भी चाहिए, और वो ये चाहिए कि पार्टिकल साइज कोलाइडल साइज का होना चाहिए। क्लियर? ना कोलाइडल से बड़ा होना चाहिए, ना कोलाइडल से सॉल्यूशन से कोलाइडल पार्टिकल से छोटा होना चाहिए। ऐसा होगा तो वो लायोफोबिक सोस उसमें बना सकेगा। तो आज पहले आप सबको ये क्लियर हो गया है कि हमको लायोफिलिक सोल्स भी बनाने हैं और हमको लायोफोबिक की बनाने हैं। लायोफिलिक डीपी लव्स डीएम, लायोफोबिक डीपी हेट्स डीएम। वो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज में रिपल्सन होता है। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, इन एग्जाम्पल्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए, ये तो एक बेसिक चार्ट है। अब आपको कोलाइडल साइज पार्टिकल लायोफोबिक लायोफिलिक में तो आपको प्रॉब्लम था नहीं, डालिए डिस्पर्सन मीडियम में, डिसोल्व कर लीजिए, लेकिन लायोफोबिक में बेसिक कंडीशन थी कि उसका पार्टिकल साइज कोलाइडल साइज का होना ही चाहिए। तो आप लायोफोबिक बनाने के लिए, कोलाइडल साइज का पार्टिकल बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो उसके लिए आपके पास में यहां पर दो तरीके हैं। पहला है, आपको ऐसा सब्सटेंस दे दे जिससे पार्टिकल की साइज बिग हो। हमको तो कोलाइडल साइज चाहिए, आपको बड़ा दे दिया है, तो तोड़िए ब्रोकन डाउन इनटू फाइन कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। क्लियर? एंड इफ यू हैव प्रोवाइडेड स्मॉल पार्टिकल्स, देन एग्रीगेट्स दीज स्मॉल पार्टिकल्स, जिससे वो कोलाइडल साइज के हो जाए। तो कितना सिंपल सा है, बड़ा है तो तोड़ दीजिए, ब्रेक को ब्रोकन डाउन, एंड अगर स्मॉल है तो एग्रीगेट्स कर दीजिए। क्लियर? तो कीप इन माइंड, अगर आपको बड़े को छोटे में तोड़ना है तो डेट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मेथड, और छोटे को बड़े में करना है तो डेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन मेथड। तो अब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसपे आपको फोकस करना है,
ये जो पॉइंट है मैं आपको 5 स्टार पॉइंट कह सकता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहां से, इसमें प्रिपरेशन मेथड से क्वेश्चन आते ही हैं। सो कीप इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो कीप इन माइंड बिग पार्टिकल को आपको करना है किसमें, स्मॉल पार्टिकल में, और अगर स्मॉल है तो स्मॉल को करना है आपको कोलाइडल साइज में, डेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन मेथड, एंड बिग ब्रोकन इनटू स्मॉल फाइन पार्टिकल डिस्पर्सन। तो आई थिंक डिस्पर्सन और ये आपको सारा क्लियर हो गया है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब कितनी मेथड्स डिस्पर्सन में है और कितना कंडेंसेशन में, उसमें फोकस करते हैं। तो डिस्पर्सन के अंदर पहले बात करते हैं, डिस्पर्सन के अंदर यहां पर आपके पास में 4 मेथड्स, एक एक पे फोकस करते हैं। नंबर वन जो डिस्पर्सन मेथड है वो है आपका मैकेनिकल डिस्पर्सन। मैकेनिकल वर्क करिए करके बड़े पार्टिकल को छोटे में तोड़ दीजिए, इलेक्ट्रो, फिर है आपका अल्ट्रासोनिक, और फिर है आपका पेप्टाइजेशन। क्लियर, एक एक को हमको देखना पड़ेगा पर एटलीस्ट नेम तो आना चाहिए। कंडेंसेशन, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट को दूसरे में चेंज करिए, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, लिक्विड सॉलिड फिजिकल स्टेट को करिए, केमिकल मेथड्स। अब यहां केमिकल मेथड्स में बहुत ज्यादा 2-3 और भी मेथड्स है, उनको भी देख लेते हैं। तो नाम आपको आने चाहिए। नंबर वन इज डबल डीकंपोजिशन, नंबर टू इज ऑक्सीडेशन, नंबर थ्री इज रिडक्शन, नंबर फोर इज हाइड्रोलिसिस। क्लियर, तो एटलीस्ट आपको जो हमने अभी दिया आके लायोफोबिक में स्मॉल पार्टिकल से जो आपको बिग पार्टिकल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, केमिकल मेथड्स भी है इसमें, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तो कीप इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस ट्री डायग्राम आपको पूरा आना चाहिए कि अगर मुझे बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन तो व्हाट टू डू। इट्स वेरी क्लियर, आई वांट टू प्रिपेयर 2 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वन इज लायोफिलिक, अनदर इज लायोफोबिक। एक लायोफिलिक बनाना है, एक लायोफोबिक। लायोफिलिक डीपी एंड डीएम अट्रैक्शन बहुत आसान है, डिस्पर्स फेस को घोल दीजिए, ये आपका बन गया। पर लायोफोबिक डीपी को डीएम में डालिए क्योंकि रिपल्सन है, बनेगा नहीं, इसलिए पार्टिकल साइज जिस डिस्पर्स फेस का कोलाइडल साइज का होना ही चाहिए। अब उसको अचीव करने के, अगर बिग पार्टिकल है तो उसको ब्रोकन डाउन करिए, स्मॉल है तो उसको एग्रीगेट करिए, तो डेट इज डिस्पर्सन ब्रोकन डाउन इंटू फाइन एंड स्मॉल इंटू बिग, डेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये पूरा आपको पिक्चर आना चाहिए। वंस यू नो दिस चार्ट तो आगे आपको मालूम चलेगा कि आपको एक एक क्या क्या करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की जो इसी का पार्ट है, सर्फेक्टेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्फेक्टेंट, पहले ये आना चाहिए। सर्फेक्टेंट्स क्या है, सर्फेक्टेंट्स के बारे में आना चाहिए आपको। सर्फेक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस विच आर प्रिफरेंशियली एडजॉर्ब एट द इंटरफेसेस। इंटरफेसेस का मतलब है दो फिजिकल स्टेट के बीच, जैसे एयर एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, सॉलिड एंड वाटर, ये इंटरफेस है। इस पे सर्फेक्टेंट्स आर द दो सबसे विच आर प्रिफरेंशियली एडजॉर्ब एट द इंटरफेस। सर्फेक्टेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसेलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसेलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। इमल्सिफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन, स्टेबिलाइजेशन ऑफ इमल्सन। तो देखिए कई बार प्रैक्टिकली समझने से ही आता है, बाकी नहीं आता है। ये एक कंटेनर है, मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर हमारा एक ये डीएम है, डिस्पर्सन मीडियम एंड डीपी, इसी के अंदर डिस्पर्स फेज भी है आपके पास में, डिस्पर्स फेज भी है, बना देते हैं डिस्पर्स फेज है इसके अंदर। क्लियर, और ये आपका मान लीजिए दिस इज लिक्विड एंड दिस इज एयर।
ये जो इंटरफेस है आपका, ये मैं इंटरफेस को थोड़ा सा कलरफुल बनाता हूं। ये एक इंटरफेस है, यहां पर जो एड्सॉर्ब होगा क्विकली डेट इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट। ऑल राइट, डेट इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट। इसलिए सर्फेक्टेंट के बारे में आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर्फेक्टेंट क्या है। सर्फेक्टेंट है किसी भी तरह के इंटरफेस दो फिजिकल स्टेट के बीच का जो प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब होगा, डेट इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट। और उसके कारण मिसेल का भी फॉर्मेशन होता है और इमल्सन भी स्टेबल होता है। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट, बहुत अच्छी टाइप्स होती है इसकी, एक एक टाइप लेते हैं। नंबर वन इज केटाइन, नाम ही बता रहा है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केटाइनिक। पॉजिटिव चार्ज है। सब्सटेंस ऑन आयोनाइजेशन गिव्स ए केटाइन, क्योंकि बोला ना केटाइन है। ऑल राइट, तो हैविंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट, ऐसा सर्फेक्टेंट वो पार्ट जो जो आपके केटाइनिक सर्फेक्टेंट जो आपको आयोनाइजेशन पर क्या देता है, केटाइन, जिसका हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट। सिटाइल पाइरिडिनियम क्लोराइड, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, सिटाइल पाइरिडिनियम क्लोराइड। ये आपका जब डिसोसिएट करेंगे तो ये आपको पूरा पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये दो पार्ट है। दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस पार्ट जिसको मैंने डार्क किया इज हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। क्लियर? नाउ ऑक्टा डेसाइल अमोनियम क्लोराइड, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी दो पार्ट है। दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड ये जो है आपका पूरा लास्ट वाला, दिस इज हाइड्रोफिलिक। क्लियर? इसी तरह से ऑक्टा डिसाइल अमोनियम क्लोराइड, दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है। क्लियर? और आयोनाइजेशन पर आपको जो ये पार्ट दे रहा है, डेट पार्ट इज केटाइन, देयरफॉर सच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट्स आर कॉल्ड केटाइनिक सर्फेक्टेंट। क्लियर? एनाइनिक सर्फेक्ट, द नेम इंडिकेट, नाम ही बता रहा है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। सब्सटेंस ऑन आयोनाइजेशन गिव्स एनायन विथ विच एक्ट एज सर्फेक्टेंट, सोडियम पामिटेड। ये आपका जब डिसोसिएट होगा तो दिस विल गिव्स यू एनायनिक एंड केटाइनिक पार्ट। तो एनायनिक पार्ट दिया है, दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। सोडियम ओलिएट, नाम याद रखिए, सो दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक एंड इसने एनायन दिया है आपको, ये एनायन दिया है इसलिए ये एनायनिक। साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, ये आयन देगा तो यहां देखिए नेगेटिव चार्ज आएगा आपके पास। ऑल राइट, और ये हाइड्रोफिलिक एंड है। तो ये एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, बट आफ्टर आयोनाइजेशन इट गिव्स यू नेगेटिव आयन। ठीक है? नाउ नॉन आयोनोजेनिक सर्फेक्टेंट, नाइदर केटाइन नोर एनाइन सब्सटेंस डू नॉट आयोनाइज और डिजोल्व इन एक्वियस मीडियम, बट दीज मोलिक्यूल्स ऑल्सो हैव हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। वाटर में डिजोल्व नहीं होगा पर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रो, ये कोई एल्कोहल है, ये कोई साइक्लिक ईथर है। और मिला के देखिए, ये एल्कोहल का ये वाला पार्ट और ईथर का ये वाला पार्ट तो हाइड्रोफोबिक, और ये OH बार आ गया, दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड। तो नॉन आयोनिक सर्फेस दे नाइदर गिव्स केटायन नोर गिव्स एनायन, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वॉटर बट स्टिल दे गिव्स हाइड्रोफोबिक, दे आर हैविंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। ऑल क्लियर? ये ध्यान रखना है, नॉन आयोनोजेनिक। ठीक है? अब थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं सर्फेक्टेंट के बारे में, आपको आना चाहिए। सर्फेक्टेंट मीन्स सर्फेक्ट सरफेस एक्टिव रिएजेंट, ऐसा जो सरफेस को एक्टिव कर ले।
तो कीप इन माइंड सर्फेक्टेंट आर एम्फीबिलिक मॉलिक्यूल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबिलिक? हैविंग टू पार्ट्स. एक उसका टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर हेटिंग, और हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा. दे एब्जॉर्ब इन द एयर वाटर इंटरफेस. एयर वाटर, मैंने कहा ना कि द एयर वाटर इंटरफेस. देखते हैं यहां पर एयर वाटर इंटरफेस कैसे बना है. देखिए इस डायग्राम को देखिए आप. अभी तक आपने ये पढ़ लिया है कि सर्फेक्टेंट्स के बारे में आपने पढ़ लिया है कि सर्फेक्टेंट्स दे आर सर्फेक्स एक्टिव, दे आर एम्फीबिलिक. एम्फीफिलिक का मीनिंग होता है दे आर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट. अब देखिए कैसे. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट. ये टेल पार्ट है. एंड दिस वन अगर हम बनाए तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग पार्ट. ये एयर और वाटर के बीच पे क्या हो गया आपका? एडजॉर्प्शन हो गया है. एयर वाटर इंटरफेस, ठीक है, कहाँ आ गया? हाइड्रोफिलिक पार्ट. व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज लो, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज लो. क्लियर? सरफेक्टेंस डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. डेफिनेटली वाटर वाटर के बीच में कोएसिव फोर्स होता है वेरी हाई, मतलब एसोसिएशन होता है, तो इसलिए हाई सरफेस टेंशन होता है. बट व्हेन आपका ये जब सरफेक्टेंट जाता है तो वो वाटर वाटर के बीच जो कोएसिव फोर्स है उसको डैमेज कर देता है, तो वहां सरफेस टेंशन जो है पहले जो ज्यादा था अब कम हो जाता है क्योंकि इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस कम होते हैं, हो जाते हैं. तो आई थिंक ये क्लियर आ गया. ये सर्फेक्टेंट था जो सोप हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है. जब उसका कॉन्सेंट्रेशन लो था, लो कॉन्सेंट्रेशन, तो आपने क्या देखा? हाइड्रोफोबिक फिलिक पार्ट वाटर की तरफ आ गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर रह गया. क्लियर? और सर्फेक्टेंट ने क्या किया? वाटर वाटर के बीच में एंट्री मार ली, तो इसने क्या किया जी? इसने इसके सरफेस टेंशन को कम कर दिया. तो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए क्या डालना पड़ता है? सर्फेक्टेंट डालना पड़ता है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? ऐसा करने से फायदा क्या? विदाउट सर्फेक्टेंट वॉशिंग लॉन्ड्री वुड बी डिफिकल्ट. इसलिए अगर आपने सर्फेक्टेंट डालेंगे तो आपका कपड़ा आसानी से धो देगा, धुला जाएगा, वॉश हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन को कम हो जाता है. आइसक्रीम एंड सिमिलर फूड प्रोडक्ट वुड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सर्फेक्टेंट डालने पर ही आपका सरफेस टेंशन कम होगा और आइसक्रीम सॉफ्टी बनेगी. ऑलराइट, क्लियर? घर पर कभी आइसक्रीम बनाते हो, बहुत हार्ड होती है. वाडीलाल, हेवमोर, अमूल कितनी सॉफ्ट होती है. क्लियर? तो अब एक बार साथ में देख लेते हैं. जिसमें नॉन आयनिक मीन्स जिसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, एनायनिक जिसमें नेगेटिव चार्ज है. क्लियर? डिसोसिएशन पर जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ओके. और केटाइन है तो केटाइनिक, और एम्फोटेरिक है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है. तो ये डायग्राम बनाकर भी आप समझा सकते हैं. क्लियर? चलो लास्ट देखते इसमें. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या बताना चाहते हैं आपको यहाँ पर? एनायनिक एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स मोस्टली यूज्ड इन क्लीनिंग प्रोडक्ट. ये आपका कौन सा होगा? एनायनिक. एंड यूज एज वेटिंग एजेंट फूड इंडस्ट्री के अंदर. तो एनायनिक सर्फेक्टेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग प्रोसेस प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग एंड वेटिंग एजेंट के रूप में आप काम में लेंगे फूड इंडस्ट्री में नॉन आयनिक को, है ना. और केटायनिक एंड ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट वेरी एक्सपेंसिव एंड स्पेशल यूज फैब्रिक सॉफ्टनेस एंटी माइक्रोबियल. ये मैंने कुछ लिखा है यहां पर, ये रिसेंटली बहुत काम में आता है. केटायनिक एंड ज्विटर आयनिक सर्फेक्ट. केटायनिक तो आप जानते हैं, केटाइनिक तो जानते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, और ज्यूटर जानते हो अभी अभी बताया जिसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो. वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और उनका स्पेशल यूज है फैब्रिक, कोई भी कपड़ा बने उसको सॉफ्ट करने के लिए, और एंटी माइक्रोबियल उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इसको काम में ले सकते हैं. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसका एक और पार्ट है उसको भी देख लेते हैं यहां पर. ये इसको हम यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है. और वो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप.
तो क्रिंजिंग एक्सोनोस्कोप के लिए देखते हैं पहले, देखिए कैसे, एक बार देख लेते हैं। ये इसके अंदर हमने वाटर को भर लिया, ऑल राइट क्लियर। ये आपका यहां पर डर्टी, ये जो है वो यहां पर आपका डर्टी क्लोथ है। चलिए अब इस डर्टी क्लोथ के ऊपर क्या है, ऑयल की ड्रॉप्स है, और ऑयल की तो ड्रॉप्स है, उसके ऊपर क्या है, डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं ऑयल की ड्रॉप के साथ साथ में, ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या डाला है, सोप सॉल्यूशन है ये आपका, ठीक है, दिस इज सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट कह दीजिए आप कुछ भी। तो आप क्या देखेंगे, ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इज अवे फ्रॉम दिस एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट यहां जाने की कोशिश करेगा एक बार, ठीक है, यहां पर जाने की कोशिश करेगा। यहां तक समझ में आ गया डायग्राम नंबर वन, क्लियर। और कीप इन माइंड ऑयल इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक और दिस पार्ट इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक। अभी देखिए यहां तक आपको आ गया, अब सेकंड डायग्राम पे जाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ये जो आपका सर्फेक्टेंट था उसमें ये पार्ट तो हाइड्रोफिलिक था, दिस वन, लेकिन दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। तो ये अचानक, क्योंकि दिस ऑयल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो ये एच अपोजिट होके इसके साथ में चला जाएगा यहां पर, और ये वाटर की तरफ आ जाएगा विच इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्ब इन द ऑन द सरफेस ऑफ द ऑयल एंड सो रिमूव्ड इट फ्रॉम द क्लोथ। देखिए लाइक डिजोल्व लाइक, ये जो था आपका, ये भी क्या था आपका, नॉन पोलार हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये भी क्या है, हाइड्रोफोबिक, लाइक डिजोल्व लाइक। अब ये कपड़े में से खींच के इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है, क्लियर। और जब बाहर निकाल देगा तो अब वाटर पे केवल डस्ट बचा रहेगा, जिसको आप क्लीन कर सकते हैं वाटर से वॉश करके, और जो ऑयल था उसके चारों, ये मिसेल बन गया, दिस इज कॉल्ड मिसेल एग्रीगेट कोलॉइड्स, ठीक है, बराबर, इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। तो हमने लिखा भी है यहां पर ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। द सर्फेक्टेड मॉलिक्यूल रिमेन सराउंडिंग द ऑयल वंस इट हैज बीन रिमूव्ड इज इन द फॉर्म ऑफ मिसेल, ऑयल को एक खींच के बाहर निकाल देता है। एंड फाइनली अगर आप क्लीन वाटर से अगर आप करेंगे तो आपका जो क्लोथ है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ये जो बना है आपका मिसेल, ये भी एक कोलाइडल एग्रीगेट है, क्लियर, एसोसिएटेड कोलाइड। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो कीप इन माइंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब एंड व्यू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड व्हाटएवर योर प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वीडियो बना के उसको हम आपको भेज